अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैमरे के लेंस जो होते हैं किस काम आते हैं, और ये वाली पोर्ट्स जो पड़ी हुई हैं ऊपर, ये आपके कौन कौन से काम आ सकती है, ये चीज किस काम आती है, और ये वाला, ये LCDs, और आपका लेंस फिटिंग कैसे करते हैं और इसको रिमूव कैसे करते हैं। ये हमारे पास कैमरा जी 1100D ESO, आप चेक कर सकते हैं 1100D है। तो ये कैनन का 1100D पड़ा हुआ है हमारे पास ये कैमरा, तो हम इसका रिव्यू कराएंगे। तो ये भी जानेंगे कि इसमें कैसे तस्वीरें कैप्चर की जाती हैं। तो ये हमारे पास लेंस भी पड़े हुए हैं बैग में, ये 300mm लेंस है, ये 75-300 लेंस है, ये देख लें, ये बड़ा लेंस है तकरीबन। तो ये 18-55 का लेंस भी पड़ा हुआ हमारे पास, ये लें जी, ये देख लें, ये 18-55 का लेंस है। तो इनका रिव्यू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैमरेज की पोर्ट्स कौन कौन सी हैं और किस किस काम आती हैं। मेमोरी कार्ड कहाँ लगता है, बैटरी कहाँ लगती है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये आप देख लें कि ये इसका सीरियल नंबर होता है, जो कैमरा होता है हमारे पास उसका। तो इस जगह पे ये वाला पोर्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पे हमारा जो स्टैंड लगता है, आप इसमें स्टैंड अपना फिट कर सकते हैं। ये देख लें, ये फोकस किया है, तो ये यहाँ पे आप अपना स्टैंड लगा सकते हैं। तो आगे आते हैं हम इस डिब्बी पे, इधर ये देख लें आप, अगर पढ़ सकते हैं तो ये देखें, कार्ड बैट ओपन, ये उस ऊपर ऑप्शन दी हुई है उसने कि कार्ड और बैटरी इधर डलती है। तो आप ये आपका ये बटन है, इसको पुल डाउन करें, इस साइड को नीचे करें, और ये वाला इधर एक आपको दिया हुआ है उन्होंने ऑप्शन की, यहाँ से इसको ऊपर उठाएं, ये ऊपर उठाया तो ये आप देख सकते हैं इसमें आपका कार्ड और बैटरी है। हम फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, ये देख लें, ये मेमोरी कार्ड है और ये बैटरी है। हम मेमोरी कार्ड निकालते हैं, ये निकल गया जी, ये इसका मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर डला हुआ है। तो ये बैटरी है, इसको पीछे की तरफ जो है ना प्रेस करें, ये मैंने प्रेस किया तो ये बैटरी निकल गई है। तो आप यहाँ से ये बैटरी निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये इसके अंदर के मामलात हैं, ये इसकी बैटरी है। तो चार्ज जो है ना बैटरी कैमरे के अंदर कभी नहीं लगती, ये अलहदा पोर्ट होती है, उसमें चार्ज की जाती है। तो आप इसको प्रेस करते हैं, ये तो इसमें कार्ड डलते हैं, ये देखिए, ये इसमें ये कार्ड लगा दिया। आप इसमें एक और चीज भी देख सकते हैं, कार्ड में एक ऑप्शन होती है, वो दिखाता हूँ, ये लॉक लगा हुआ है इधर, ये देखें, ये लॉक है। अगर हम ये लॉक को पीछे कर दें, ये पीछे कर दें तो हमारा कैमरा नहीं चलेगा। तो आगे करेंगे, लॉक करेंगे इसे, तो फिर हमारा कैमरा वर्क करेगा। तो हम इसको इसमें डाल देते हैं, इसको प्रेस करें और इसको आगे कर दें, ये हमारा कार्ड लग गया।
और ये आगे देख सकते हैं आप, एक ये बटन लगा हुआ है और ये एक लाइट है, और एक बाकी दूसरे बटन मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। इसको आप घुमाएंगे तो यहाँ पे आपका लेंस फिट होगा, तो इसको बंद करते हैं फिलहाल, बाद में देखते हैं। तो ये ऊपर आपका एंटीना लगता है, वो फ्लैश लाइट एक्सटर्नल में फ्लैश लाइट लानी है, माइक लगाना है, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ लगानी है वो यहाँ पे आपकी फिट होगी। तो ये फ्लैश है इसका, ये बंद है, कैमरा ऑन होने के बाद ही ये फ्लैश ऑन होगा, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ, पहले ये समझ लें। ये आप देख लें यहाँ पे, ये प्लस माइनस का ऑप्शन है, ये प्लस माइनस और साथ ये चीज लगी हुई है, ये देखें, ये आपका ये चीज से फोकस अगर आपने करना हो तो इससे आपने अप डाउन करके इसको सेट कर लेना। ये इसकी एलसीडी है, ये इसके बटन है, ये देख लें, और ये जूम इन है, आउट है, और उसके बाद इससे आप आगे पीछे तस्वीरें ले सकते हैं, और ये फ्लैश की ऑप्शन बनी हुई है, इसको आप प्रेस करेंगे तो फ्लैश ऑन हो जाएगा। तो ये बटन है, यह इस बटन से आप तस्वीरें ले सकते हैं, खाली ऑटो पे आप तस्वीर लेंगे तो आप इस आपने इसे प्रेस करके रखना है तो ये ऑटो पे तस्वीर ले लेगा, अपने इसे प्रेस करके रखना है, ये तस्वीर ऑटोमेटिक ले लेगा। इस बटन से आप इसकी तस्वीरें जो ली हैं वो देख सकते हैं। चलिए हम लेंस फिट करके दिखाते हैं, इसको करते हैं ओपन।